जल्दी बताओ कहाँ चल पड़े। इस तरफ आ जा। ये तो असली चल पड़ी है। वाह वाह वाह। क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। कहते हैं अगर जलपरी ने पकड़ लिया तो वो उस पर काबू पाकर उसकी याददाश्त तक मिटा सकती है। ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो यही सुना है कि जलपरी अपने बचाव में बिल्कुल ऐसा ही करती है। और सिर्फ यही नहीं जना, ये भी सुना है कि अगर ये ज्यादा गुस्से में आ जाए तो इसके छूते ही इंसान पागल हो जाता है। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं जलपरी को अपने हाथ से नहीं छूऊंगा बल्कि अपनी तलवार से छूऊंगा। ये समझती है? बहरहाल मैं तुम लोगों की आज खास खातिर तवाज़ो करूंगा। सुनो, दावत की तैयारी हो गई क्या? जी। ये नया सरदार आखिर कब पहुंचेगा? सरदार, बहुत से सरदार यहाँ आए और गए लेकिन ऐसा सरदार मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। वाकई में? हाँ वाकई। पढ़ाई वगैरह में तो मैंने कभी कोई तीर नहीं मारा लेकिन शक्ल सूरत में पूरे स्कूल में मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। सच कहूँ तो वहाँ मुझसे ज्यादा अच्छा दिखने वाला कोई था ही नहीं। बकवास। मगर मुझे बहुत अफसोस है, इतने अच्छे इंसान की बीवी इतनी जल्दी गुजर गई। आपने तो गांव की हर लड़की का दिल पिघला दिया होगा, सही कहा ना? सही कहा। सरदार, आपने जलपरी के बारे में सुना है क्या? जलपरी? कहते हैं कि जलपरी साहिल पे पहुंचते ही बिल्कुल इंसान बन जाती है। एक ने तो शादी भी कर ली थी इंसान से। ये सिर्फ कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। सभी अफवाहें उड़ा रहे हैं, कभी किसी ने देखा नहीं है उसे। लेकिन ये भूतों की कहानी से काफी मुख्तलिफ है। बेवकूफ कही के, आज का दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है क्योंकि हमारा नया सरदार आया है। मैं आप सबको कुछ अनोखा दिखाना चाहता हूँ। सरदार,
ये असली जलपरी है, वो नहीं जिसका सिर्फ कहानियों में जिक्र होता है। इसे मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। वैसे जलपरी के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? क्या आप आसमान से बातें करते हुए शोलों का राज जानते हैं? जलपरी का तेल, उसकी बदौलत वो कभी नहीं बुझते। कहते हैं कि जलपरी का तेल बहुत उम्दा मयार का होता है। व्हेल मछली का तेल भी अच्छा होता है, लेकिन इसके आगे व्हेल मछली का तेल भी कुछ नहीं। ये अनमोल है, जितनी देर भी रख ले खराब नहीं होता है। क्यों ऐसा ही है ना? ये सिर्फ ईमानदार शख्स को मिलता है, और मुझ जैसा ईमानदार शख्स तो पूरे गांव में नहीं। तुम जैसे लोग ईमानदार और नेक, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अब कहना क्या चाहते हैं सरदार? मैंने यहां आने से पहले सारी पूछताछ करवाई थी। कैसी पूछताछ? तुमने ये नौकरी रिश्वत की भारी रकम अदा करके हासिल की, और उसके बदले तुमने मछेरों से 3 गुना ज्यादा महसूल हासिल किया। ये ऐसा जुर्म है जो कि नाकाबले माफी है। जो महसूल से मुनाफा कमाकर आम शहरी को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको इसकी सख्त सजा मिलेगी। और इस जुर्म की क्या सजा है जानते हो? पहले सजा सिर्फ 100 कौड़ी थी, लेकिन अब इसकी सजा हो गई है सजाए मौत। बहुत बुरा लगा सुनकर। ये क्या हो गया सरदार? फिर आप ही बताइए ना मुझे, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो मैं कर सकूं, मतलब कुछ भी हाँ, कुछ भी। ये हुई ना बात। इसकी ये मचाल के मेरे ही घर में मुझे बेइज्जत करे, देख लूंगा। जलपरी पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। मैं इसे दोबारा जरूर पकड़ूंगा, तुम देखना। मैं अपने हाथों से इस बेवकूफ सरदार को खत्म करूंगा बहुत जल्द। जब ये किसी पर गुस्सा होती है तब ऐसा करती है ये, लेकिन उन्हें छूना नहीं चाहिए। हमारी दुनिया उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए हमें। अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। आज तक जो भी ऐसा करता आया है, हमेशा बुरा ही हुआ है उनके साथ।
स्टॉप आने वाला है। ये बटन मैं दबाऊंगी। अच्छा तो तुम्हें दबाना है। चलो ठीक है मेरी जान। हेलो आंटी, मैं एक लॉयर। ये है मेरा कार्ड, मेरा नाम इंजॉन्ग है। क्या मैं चोरी का माल बेचते हुए कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना? अरे ये क्या है? तुम हार गए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम तो वाकई में चालबाज निकले यार, हैरी पॉटर की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम हो तुम तो सीधा टॉम क्रूज बोलो ना। अच्छा माफ कीजिएगा, हम बस पहुंच रहे हैं। आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए माजरत। ठीक है चलो जल्दी चले, चलो चलो और जाओ जल्दी। कंप्लेन करते ही फौरन आ गए। बहुत शुक्रिया। रुको जरा। चीफ गो नहीं आए क्या? वो तो हमेशा साथ आते थे। हाँ, चीफ गो कहा तुमने ना? हाँ। चीफ गो आए हैं मेरे दोस्त। कहाँ? वो देखो, वो रहे। चश्मे में तो वो काफी अलग लग रहे हैं। जा सकते हो तुम लोग। लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस है, सॉरी आपको सीढ़ियों से जाना होगा।